हेलो दोस्तों, वेलकम बैक कायाकल्प प्लेजर तो मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। अजकल एक दवाई बड़ी चर्चा च हैगी है, ट्रंप भी रौला पाई जांदा है, उन्हें इंडिया नू थ्रैट भी किया, रिक्वेस्ट भी की, तरला भी मारिया कि मैनू हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या कुनीन की गोलियां मैनू दे दिओ। सो इंडिया ने हुण देती है। मैनू कल दे कई फोन आ चुके हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि जी सानू भी खानी पवेगी, खा लेनी चाहिए है, साडे बच्चे नू करोना ना होवे, सानू ना करोना होवे। सो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जिन्हों आप आम तौर पर कनीन के नाम से जानते हैं, मलेरिया दे विच यूज़ होंदी है दवाई। बहुत छोटी जी स्टडीज़ हैगियां, कोई 50-100 बंदियां दी स्टडीज़ हैगियां, जिंदे विच उन्होंने देखिया कि कुछ फायदा करती है। कुछ तो लोग ये जिहड़े अमीर मुल्क हैगे ना, ठंडे मुल्क अमरीका, इटली, जापान, स्पेन वर्गे, उत्थे लखां दे विच लोग इनफेक्ट हो रहे हैं, तो साडा इंडिया का हजे भी ग्राफ 6,000 तो थले है। तो देख रहे भी इंडियन दे विच की प्रॉब्लम हैगी है, भी क्यों नहीं इत्थे वध रहा, तो साडे क्यों इन्ना ज़्यादा वध गया। सो वो सोचते हैं कि शायद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन साडे आम तौर पर लगती है, मलेरिया हुंदा ही रहिंदा है, तो वह इंडियन खांदे रहिंदे, शायद उस करके बचाव हो रहा कोरोना का। सो ये दवाई आम तौर पर मलेरिया, गठिया या इन चीज़ों वास्ते यूज़ हुंदी है। सो इन्दे कई साइड इफेक्ट भी है, मेडिकल साइड इफेक्ट भी है, उल्टी, टटियां, दस्त, सर दर्द वगैरह तो अलावा एक हार्ट के उत्ते इहदा थोड़ा जा इफेक्ट हैगा कि QTC इंटरवल ये वधा दिंदी है, जिहड़ी हार्ट डिजीज़ हार्ट दे नाल ट्रबल हो सकती है। सो वो चीज़ों नूं ध्यान च रखते हुए मैं सुजैसट किसी नूं नहीं करता कि बिना जरूरत तो यह दवाई लिती जाए। आम पब्लिक नूं यह दवाई नहीं लैनी चाहिए। ये दवाई इंडिकेटड हैगी है, जिवें मैं डॉक्टर हैगा, जे मैं करोना के मरीज देख रहा तो मैनू लैनी चाहिए है। परसनल तौर पर मैं दसदा कि मैं ते मेरे परिवार ने यह दवाई नहीं लिती, हालांकि असी डेली मरीजों नू मिल रहे हैं, स्कैन भी कर रहे हैं, होर काम भी कर रहे हैं, टैलीफोनिक कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, एमरजेंसी सर्विसिज भी दे रहे हैं। सो इस चीज़ के साइड इफेक्ट होने कारण असी ये दवाई यूज़ नहीं कर रहे। सो हर बंदे नू नहीं ये लैनी चाहिए। जिहड़े कि मेडिकल फील्ड वाले स्टाफ हैगे है, जिहड़े करोना दे नाल टच दे विच आंदे है लोग, वो ये दवाई लैंदे लै सकदे है। उन्हां वास्ते डोज हैगी है 400 mg सवेरे शाम, उदू बाद हफ्ते हफ्ते तो 7 हफ्तिया तक एक एक गोली लैनी है। तो जिहड़ा मरीज़ नूं करोना हो जाता उन्हां नूं भी दित्ती जाती है 400 mg सवेरे शाम, तो वह 5 दिन वास्ते दित्ती जाती है। सो ICMR की इस तरह की रिकमेंडेशन हैगी है, बट आम पब्लिक नूं मैं हिदायत देऊंगा कि वह इस दवाई नूं ना लैन। इस दवाई की कोई कमी नहीं हैगी, कल्ले हिमाचल प्रदेश दे विच इस दवाई दीआं 475 फैक्टरियां हैगियां, ते गुजरात हर स्टेट दे विच ये दवाई चलती है। पूरे वर्ल्ड दे विच 40% दवाइया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इंडिया ही सप्लाई करता बाहरले मुल्कां नूं। तो हुण तां मोदी साहब ने सारी इंडस्ट्रियां नूं कहता कि दब के बनाओ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट आ रही है कि सानूं ये दवाइयां चाहिए हैं। सो ये मैं सुजैसट करूँगा कि पैनिक हो ना होके ये दवाइयां बाय करन दी लोड़ नहीं हैगी। जे तुहानूं लोड़ होएगी तो इहदा एम्पल स्टॉक सिविल हॉस्पिटल वगैरह विच हैगा, साढ़े कोल भी हैगा, तो प्रक्योर भी किया जा रहा है, और जे जरूरत पएगी तो साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैगी है। तो इस करके पैनिक होकर बाय करन दी लोड़ नहीं, ना ही खाने की लोड़ हैगी है कोई, तो यह ना हो फायदा होवे ना होवे तो इंदे चक्कर च आपां नुकसान कर लिए। दूजी गल, कोई डिस्टर्बिंग जे फैक्टर सानू नज़र आया है कि मुक्तसर दे विच किसी डॉक्टर दे नाल कोई बदतमीजी कीती है। असी लोग यार तुहाडे नाल अपनी जान हथेली ते रख के तुहाडा इलाज कर रहे हैं, सानू साडी परिवार नू सानू भी तो प्यारे, आपदे बच्चे, आपदे परिवार, सानू आपदी जान भी प्यारी है, असी उन्हां नू पिछे रख के तुहाडी जान बचाण पिछे 24 घंटे हाजिर हैगे हैं। असी कंसल्टेशन टैलीफोन ते फ्री दे रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट की कोई गल नहीं हैगी जी। फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे पावांगे क्योंकि साडे खर्चे बहुत हैगे है, स्टाफ दीआं सैलरियां भी जांदियां, इक्विपमेंट नूं हुण तां डबल खर्चे हो जांदे है, ग्लव्स पाओ, मास्क पाओ, जिहड़ी PPE किट हैगी है उही 1200 रुपए की है, एक वारी ही पैंदी है। वह तो काइंडली साडे नाल बेयर डाउन करो, असी कोई रेट नहीं वधाए, कोई कुछ नहीं किया, तो काइंडली जिहड़े हैगे ना शरारती कुछ अंसर हैगे है जिहड़े इस तरह की फिक पाउण की कोशिश कर रहे हैं। सो इहो जी घटनावां ना होण, क्योंकि जे इहो जी घटनावां होणगीआं तां डॉक्टर डर जाणगे। करोना तो डरीए ना डरीए, बट वायलेंस ते मॉब तो डर जांदा डॉक्टर, फिर वह डॉक्टर आपका क्लीनिक बंद करके घर बह जाएगा, फिर जो मर्जी करी जाए, सरकार लाइसेंस कैंसल करे, आपकी जान तो उत्ते कोई भी चीज़ नहीं ना हैगी,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸਗੋਂ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਟੂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਵਰਸਲ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਵਰਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।